हे गाइस, मोटर ब्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास है सुजुकी की लेटेस्ट लॉन्च जिक्सर एसएफ 150, जिसका ये ब्लैक कलर वेरिएंट आप देख पा रहे हैं। गाइस, कंपनी इसे नाम करती है ग्लास स्पार्कल ब्लैक, जो कि सच में गाइस काफ़ी स्पार्कल एक ग्लास फिनिश आपको मिल जाती है। और इसकी जो नियॉन ग्रीन कलर की जिसमें जो ग्राफिक्स की गई है ना, एक निकल कर आती है गाइस, काफ़ी मस्त लगती है देखने में। अब इसकी क्लोज से बात कर लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर आप फ्रंट में देख सकते हैं, आपको वही विंडशील्ड देखने को मिल जाती है गाइस छोटी सी। यहाँ पर आपको दोनों साइड आपको एडजस्टेबल मिरर लगेंगे गाइस, अभी लगी नहीं है, जस्ट अभी आई है शोरूम में। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको फुल्ली LED आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको लो बीम, इस तरह भी आपको लो बीम देखने को मिल जाता है, बीच में आपको हाई बीम मिलती है गाइस। और यहाँ पर आपको छोटी सी प्लास्टिक की इंसर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक में मडगार्ड मिल जाती है, जिसमें आपको सुजुकी की स्टिकर देखने को मिल जाती है। थोड़ी नीचे की तरफ आते हैं, इसके सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिल जाता है। और अंदर की साइड आप देख सकते हैं आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाती है। इसकी टायर की बात करें गाइस अलॉय की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नियॉन ग्रीन कलर की इंसर्ट्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। एक ब्लैक कलर में ना काफ़ी एक निकल के आती है गाइस, काफ़ी एकदम जैजी फील करती है, मस्त लगती है देखने में। और इसकी टायर सेक्शन की बात करें तो आपको 100x80 आपको वाइड टायर देखने को मिल जाती है 17 इंच की, काफ़ी मस्त है गाइस। और इसकी ब्रेक्स की बात करें तो 266mm की आपको डिस्क देखने को मिल जाती है विथ ABS की रिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ABS की रिंग मिल जाती है आपको। और इसके बाइब्री के आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं, जो कि डुअल पिस्टन कैलिपर वाले आपको ब्रेक्स मिलते हैं। चलते हैं इसके थोड़ी साइड की तरफ फेयरिंग में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जिक्सर एसएफ की आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको वही रेगुलर आपको बल्ब इंडिकेटर मिल जाते हैं। आपको नियॉन ग्रीन कलर में आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस देखने में। ब्लैक कलर में तो मस्त लग रही है मेरे को पर्सनली। और थोड़ी नीचे की तरफ आते हैं तो इसके आप इंजन कॉल में आप देख सकते हैं आपको सुजुकी का आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाते हैं। इसके इंजन में आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको राइडर के लिए फुटरेस्ट जिसमें रबर पैड लगा हुआ है। यहाँ पर आपको रियर ब्रेक लीवर, कुछ एल्युमिनियम के आपको इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको रियर ब्रेक ऑयल देखने को मिल जाता है, पिलियन के लिए फुटरेस्ट। और यहाँ पर देखो गाइस फुल मस्त एकदम बहुत प्रीमियम लग रही है इसकी एग्जॉस्ट। यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको क्रोम की प्लेट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर मैट फिनिश मिल जाती है ना, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आपको डुअल मफलर एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। इसके सस्पेंशन की बात करें रियर वाली, तो यहाँ पर आपको स्विंग आर्म बेस्ड आपको मोनोस्ट्रोक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है विथ यहाँ पर आप टायर हगर देख सकते हैं, टायर हगर नहीं सॉरी मड प्रोटेक्शन देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको टायर हगर मिलती है। इसकी टायर और व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर भी गाइस आपको 17 इंच की आपको व्हील देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जो आपको नियॉन ग्रीन कलर की जो इंसर्ट्स मिलती है ना, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 140x60 R17 की आपको रेडियल टायर देखने को मिल जाती है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करेगी। इसी पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर गाइस आप ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, जो कि बॉडी कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसके नीचे गाइस आप देख सकते हैं आपको LED टेलम देखने को मिल जाती है, रेगुलर बल्ब इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको LED नंबर प्लेट लाइट देखने को मिल जाती है। इसके लेफ्ट साइड की तरफ आएँ तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं आपको सारी गार्ड मिलती है, आपको ओपन चेन मिल जाती है। यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट, यहाँ पर आपको राइडर के लिए फुटरेस्ट, यहाँ पर आपको गियर लीवर देखने को मिल जाता है। और काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग मिलती है। और यहाँ पर जो इसकी टैंक में जो सुजुकी की जो लोगो मिलती है ना गाइस, काफ़ी मस्त लग रही है, काफ़ी अपीलिंग लगती है। इसकी फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं गाइस इसके हैंडल बार और इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो सबसे पहले हैंडल बार की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलती है, जिसको आपको सिटी में चलाने में या फिर आप हाईवे में या फिर ट्रैक में अगर चलाएं ना, तो काफ़ी मज़ा आता है गाइस ना, काफ़ी अच्छी कॉन्फिडेंस आपको मिल जाती है। लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी लाइट वेट आपको क्लच लीवर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको पास की स्विच, पास की बटन हाई बीम लो बीम करने के लिए, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की स्विच और यहाँ पर आपको हॉर्न की स्विच मिल जाती है। राइट साइड में ये गाइस यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक वॉल देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको इंजन की स्विच और उसके नीचे आपको इंजन स्टार्ट करने की बटन देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं गाइस इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसको जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर क्लॉक देखने को मिलेगा, फ्यूल गेज यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर आपको ओडोमीटर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको अभी एवरेज ट्रिप बी का भी दिखा रहा है। यहाँ पर मोड की बटन दबाइएगा ना, तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ पेयरिंग मोड स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके बहुत सारे फीचर्स ले सकते हैं, जैसे कि 10x10 नेविगेशन, आपको कॉल, SMS अलर्ट, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस, और ये बहुत सारे फीचर्स आपको उसमें मिल जाते हैं। और ऊपर की तरफ आपको सेलेक्ट का बटन मिलता है, जिसका आपको प्रेस कीजिएगा तो आप स्विच कर सकते हैं। जैसे आपको बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पर गाइस, और ओडोमीटर, यहाँ पर आपको ट्रिप ए और ट्रिप ए का एवरेज, ट्रिप बी एंड ट्रिप बी का एवरेज, तो क्या आप देख सकते हैं। और डिस्टेंस टू MT आपको इसमें मिल जाता है गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ABS की लाइट मिल जाती है। मैं अब आपको इसमें ऑन करता हूँ फिर से,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वार्निंग लाइट मिल जाती है, आरपीएम की लाइट, यहाँ पर आपको इंजन मैलफंक्शन की लाइट और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन की लाइट देखने को मिल जाती है। और टैंक की बात तो कर ही लिए थे गाइस, है ना, काफ़ी मस्त मस्कुलर लगती है गाइस देखने में, इसकी जो ग्राफिक्स है काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। इसके इंजन की बात करें ना गाइस, तो यहाँ पर आपको वही सेम 155 सीसी के सिंगल सिलेंडर 4:4 FI एयर कोल्ड BS6 इंजन देखने को मिल जाता है, जिसकी मैक्स पावर जो निकालती है वो है 13.6 PS की, जो कि आपको मिल जाती है 8000 RPM में। और इसकी जो मैक्स टॉर्क जो मिलती है ना गाइस, वो आपको मिल जाती है 13.8 न्यूटन मीटर की, जो कि आपको मिलती है 6000 RPM में, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इसकी गेयरबॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड की गेयरबॉक्स देखने को मिल जाती है कॉन्स्टेंट मैश वाली। और इसके जो साइड स्टैंड में है ना गाइस, इसमें आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर भी मिल जाते हैं और मेन स्टैंड भी आपको दोनों मिलते हैं। और इसके स्विंग आर्म में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको टायर प्रेशर की आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। इसकी प्राइस की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको एक शोरूम रांची में 147,380 मिल जाती है। ऑनरोड प्राइस की बात करें तो वो आपको मिलती है 177,669। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।